हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर में वर्ण व्यवस्था और संधि का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में क्या, वर्ण किसे कहते हैं, आपको सिलेबस मैंने बता दिया है बच्चों सारा हिंदी में आपके चैप्टर 1 to 9 वसंत में, और ग्रामर में आपको मैंने जितना भी कराया अब तक सब में से आएगा, और आपका बाल राम कथा में चैप्टर 1 to 6 फुल, ठीक है। सभी चैप्टर्स फुल रिवाइज करने हैं आपको, मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया, अब आपको खुद से अपने आप भी रिवीजन करनी है, ठीक है बच्चों। और आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं बच्चों, आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेंगे, इसलिए आपको सभी एग्ज़ाम अच्छे से देने हैं। आपके एग्ज़ाम्स के बच्चों सभी क्वेश्चन MCQs होंगे, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम वर्ण व्यवस्था और संधि का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, वर्ण कहलाती है, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, तो आपको लिखना है वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब उच्चारण किसे कहते हैं, भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है, बोलते समय जब वायु कंठ से लेकर होठों तक, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु कंठ से लेकर होठों तक किसी उच्चारण अवयव द्वारा रोकी जाती है, और जिससे विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है जिसे उच्चारण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उच्चारण। किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए उसके वर्णों का शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका वर्णमाला और लिपि में क्या अंतर है। तो वर्णों के समूह को तो बच्चों वर्णमाला, ए आ ई, ये मतलब वर्णों का समूह पूरा, कि ए के बाद आएगा उसके बाद छोटी फिर बड़ी, तो ये वर्णमाला है, ठीक है, वर्णों का समूह वर्णमाला। जबकि वर्णों को लिखने की प्रणाली, कि हमको अब हमने यहाँ पे मैं लिखा तो ये मैं ऐसे ही लिखा जाएगा, ये जो प्रणाली है बच्चों इस प्रणाली को हम लिपि कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, आप सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं बच्चों वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं वर्ण, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों, स्वर की संख्या 11 होती है, ए आ छोटी बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई और ओ औ, ठीक है। और इसके 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। हर्ष स्वर जो होता है बच्चों, जिनको बोलने में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, या इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर को जो बच्चों एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ए ई उ और रे। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। प्लुत स्वर जिनके बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो बच्चों में ज़्यादा टाइम लगता है, राम, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है, हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक और निरानुनासिक। तो उच्चारण के अनुसार सभी प्रकार के स्वरों के 2 भेद हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, यानी कि मुंह और नासिका से अगर उच्चारण होता है तो वो अनुनासिक, और जब स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से होता है तो वो निरानुनासिक, यानी कि समझ में आ रहा होगा, अनुनासिक यानी कि नाक के साथ, और निरानुनासिक यानी कि नाक से ना हो सिर्फ मुँह से हो, ठीक है। इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वर लगाया जाता है, जैसे हंसना, दांत आदि। जो अनुनासिक होते हैं इसमें बच्चों चंद्र बिंदु या अनुस्वर लगाया जाता है, और निरुनासिक होते हैं इनमें चंद्र बिंदु या अनुस्वर नहीं लगाया जाता, ठीक है, जैसे मगर, जाग, भाग आदि। व्यंजन मैंने बता दिया आपको, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजनों के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, कैसे मैं तक, क्या कबूतर से लेके मैं तक जो है 25 स्पर्श व्यंजन बच्चों। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ये रे लेवे, ठीक है, ये रे लेवे 4 अंतस्थ व्यंजन है।
श श स है, ये चार क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे छ, तो छ जो है वो क्या है और श से बनता है, त्र तय और र से बनता है, गै ज और न से बनता है, और श श और र से बनता है, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं बच्चों, आपके देवनागरी लिपि में चार हैं संयुक्त व्यंजन, कितने हैं, चार, छ त्र गै और श्र। ये ध्यान रखना, छ किससे बनता है, क और श से, त्र किससे बनता है, तय और र से, गै किससे बनता है, ज और ण से, श्र किससे बनता है, श और र से, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है आपका अयोगवाह, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और है, अंग जो है अनुस्वर है, इसमें अनुस्वार का बिंदु ए अक्षर का सहारा लिया हुआ है, इसमें अनुस्वार का बिंदु ए अक्षर का सहारा लिया हुआ है, और अंग है विसर्ग, ए अक्षर का सहारा लिया हुआ है, यानी कि दो अयोगवाह हैं बच्चों आपके, अंग और है, और दोनों में ही ए अक्षर का सहारा लिया हुआ है, ए वर्ण का सहारा लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार अंग, इसका उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से निकलती है, रंग रंक, तो नाक से निकलती है, ठीक है। और अनुनासिक में इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार जब बोलते हैं तो या उच्चारण करते हैं तो सिर्फ नाक से जो है आवाज़ निकलती है, या श्वास करते समय केवल नाक से निकलता है उच्चारण, और अनुनासिक में आपको मैंने बताया था मुख और नासिका दोनों से निकलता है, हंसना चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। किसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे पक्का, यहाँ पे दो व्यंजन है मक्का, यहाँ भी दो व्यंजनों का, दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग है। प्रयत्न किसे कहते हैं और उसके भेद बताओ, वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न प्रयत्न कहलाते हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। कितने भेद हैं प्रयत्न के, दो, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के पहले होने वाली चेष्टा को, उच्चारण के पहले होने वाली चेष्टा को आभ्यंतर, और वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाली चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। पहले होने वाली चेष्टा को, वर्णों के उच्चारण के पहले होने वाली चेष्टा को आभ्यंतर, और बाद में अंत में होने वाली को बाह्य, ठीक है। सघोष और अघोष, वे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल ध्वनि का ही उपयोग होता है, किसका, सिर्फ ध्वनि का, वो क्या कहलाते हैं, सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा मतलब बच्चों कैसे मैथक में जो इतने भी हैं, जैसे गै घै ड, छ और छ को छोड़ के जय झेण, ये मतलब जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, सारे स्वर यरे लेवे और है, ये घोष या सघोष हैं, ठीक है। यरे लेवे और है, और सारे स्वर जितने भी 11 स्वर हैं, और आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये क्या है, सघोष। अघोष कौन से, वे वर्ण जिनके बोलने में केवल सांस का उपयोग होता है, सघोष को बोलने में केवल ध्वनि का उपयोग होता है, और अघोष को बोलने में केवल सांस का उपयोग होता है। वर्णों के वर्गों के पहले दूसरे, यानी कि कै खै चै छ तै थै टै टै तै थै पै फै और श स स, ये क्या है, अघोष हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्पप्राण और महाप्राण, श्वास वायु की मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, कितने भेद हैं, दो, किसके अनुसार, श्वास वायु की मात्रा के अनुसार, अल्पप्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन और यरे लेवे, यानी के गे ने चे छे जे, मैंने जो गोला किए हुए हैं जा सारे बच्चों, ये सब यानी तीसरा पांचवा, तीसरा सॉरी पहला तीसरा और पांचवा और यरे लेवे, ये सब क्या हैं, अल्पप्राण। फिर आपका महाप्राण, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, ये जो मैंने किए हुए गोले ये, ठीक है, और शेष है, ठीक है, ये क्या है, महाप्राण। स्वराघात और बलाघात, स्वराघात और बलाघात वर्णों शब्दों या वाक्यों के उच्चारण से संबंधित, ये दोनों अर्थ में परिवर्तन करते हैं। स्वराघात, संयुक्त अक्षर से पहला अक्षर जोर देकर बोला जाता है, यह प्रयोग शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, भक्ति में ए और इंद्र में ई में स्वराघात है,
भक्ति, तो ए आ रहा है, ए पे जोर जा रहा है। इंद्र, तो इंद्र में ई पे जोर जा रहा है, तो यानी कि क्या है, सराघात है ए और ई। ठीक है, बलाघात में क्या होता है, जिस शब्द में बल दिया जाए वह शब्द विशेषण शब्दों की तरह अन्य का निवारण करता है, जैसे मीना किताब पढ़ती है। तो इस वाक्य में मीना शब्द पर बल देते हैं तो अर्थ हो जाता है मीना ही किताब पढ़ती है। अगर मीना पर बल देते हैं तो अर्थ हो गया मीना ही किताब पढ़ती है। अगर किताब शब्द पर बल देते हैं तो अर्थ हो जाता है किताब ही पढ़ रही है, कुछ और नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बलाघात है। जिस पर बल दिया जाए उसी का अर्थ निकल के आ जाए तो क्या होगा, बलाघात होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपकी उच्चारण स्थान तालिका देखते हैं। ए आ के वर्ग और है और विसर्ग, ये क्या है, कंठ। स्थान क्या है इनका, कंठ। और नाम क्या है इसका, कंठ तालिका का। कंठ तालिका में स्थान इनका बोलने का क्या है, कंठ। और नाम क्या है, कंठ है। ई ई और चैवर्ग और य और शय, ये क्या है, तालु। स्थान इनका और क्या है, नाम, तालव्य। टैवर्ग री और रे और शय, इनका क्या है, मूर्धा। नाम क्या है, मूर्धन्य। तैवर्ग और ले और सै, इसका क्या है, दंत। नाम क्या है, दंत्य। जैसे आप बोल के देखो ले सै, तो दांत से बोल रहा है, तो यानी कि दंत्य और दंत इनका स्थान है। ऊ ऊ पैवर्ग, ये क्या है, ओष्ट। पै फे बे, आप इसे बोलोगे तो जो हमारे ओष्ट यानी होठ है उनका यूज होता है, तो ये क्या है, कहाँ इनका स्थान है, ओष्ट। और क्या नाम है, ओष्ट है। ने और मैं अनुस्वार, ये सब किससे बोल जाते हैं, नाक से, यानी कि नासिका से। और क्या होगा, नासिक के। ए आई कंठ तालु, कंठ तालव्य। ठीक है, ओ औ कंठ ओष्ट, कंठ और यानी कि गले से और होठों से, तो कंठोष्ट है। वे दंत और ओष्ट, यानी कि दंतोष्ट है, दांत और होठों से। ठीक है बच्चों, ये आपका वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गया आज। इसके बाद बच्चों आपका संधि देखते हैं। तो संधि का सामान्य सा अर्थ है बच्चों, आपको मैंने बताया था मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है या विकार सहित जो मेल होता है वही संधि है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन सहित जो मेल होता है वही क्या है, संधि। जैसे हमने लिखा सम प्लस में तोष, तो क्या बनेगा, संतोष। इंद्र प्लस में देव, क्या बनेगा, देवेंद्र। तो ये क्या है, संधि है। ठीक है, संधि के भेद बच्चों तीन भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कितने भेद होते हैं संधि के, तीन। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, जब दो स्वरों के मिलने से विकार आता है तो बच्चों स्वर संधि होती है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस में आलय, तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या बनेगा, विद्यालय। दोनों तरफ यानी स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, स्वर संधि। स्वर संधि के बच्चों पाँच भेद होते हैं, पाँच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। कितने होते हैं, पांच भेद। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब दीर्घ संधि में क्या होता है, ए वर्ण, यानी ए आ के बाद ए वर्ण हो तो, यानी कि अगर ए आ के बाद ए हो तो आ हो जाता है, ई ई हो तो ई हो जाता है, यानी कि ई वर्ण के बाद ई हो तो ई हो जाता है, ऊ वर्ण के बाद ऊ हो तो ऊ हो जाता है। समझ में आया, यानी ए वर्ण के बाद अगर ए है तो आ हो जाएगा, ई वर्ण के बाद ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ वर्ण के बाद ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। आ ई तथा ऊ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर हैं, इसलिए इस संधि को दीर्घ या स्वर्ण संधि कहते हैं। इसे कौन सी संधि भी कहते हैं, सवर्ण संधि। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैंने मदिरा प्लस में आलय, मदिरा में आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या हो गया, आ हो गया मदिरालय। अभी प्लस में ईष्ट, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ भी ई है, तो क्या हो गया, बड़ी ई हो जाएगी, अभीष्ट। कपी प्लस में इंद्र, दोनों तरफ छोटी ही है तो बड़ी हो जाएगी, कपेंद्र। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों गुण संधि। ए वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो दोनों को मिलाकर ए, यानी कि अगर ए वर्ण एक तरफ, जैसे एक तरफ ए वर्ण है परम में, इधर ई है, तो दोनों को मिलाकर ए, परमेश्वर। ठीक है, ऊ वर्ण हो तो, अगर ए वर्ण के बाद ई वर्ण है तो ए, अगर ए वर्ण के बाद ऊ वर्ण हो तो ओ, उत्तर प्लस में उत्तर, ए है इधर ऊ है, तो क्या हो गया, ओ हो गया, उत्तरोत्तर। ठीक है, और रे हो तो अर में परिवर्तित हो जाता है, जैसे यहाँ पे तय, यानी इसमें ए वर्ण है तय में और यहाँ पे रे, तो किस में हो जाएगा, अर, तो सप्तर्षि। ठीक है, किस में हो गया, अर में हो गया, नव प्लस में ऊढ़ा, यहाँ पे ए है यहाँ ऊ है, तो ओ में हो जाएगा नवोढ़ा। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए वर्ण के बाद ए हो तो दोनों को मिलाकर ए, ए वर्ण के बाद ए हो तो ए और ए मिलाकर आई हो जाएगा। ठीक है, एक एक, जल प्लस में ओध, जलोध,
ओ ओ हो तो औ में परिवर्तित हो जाता है। जल प्लस में ओ, ए है इधर, इधर ओ है तो औ में हो गया, ठीक है। महा प्लस में औषद, इधर औ है, इधर आ है तो महौषध, ठीक है। यण संधि में क्या होता है, ई वर्ण के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो, ई के स्थान पर यह, ऊ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ को वे, यानी कि ई वर्ण के बाद यदि ई वर्ण ही है तब तो कौन सा होगा हमारा, तब तो हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में आ जाएगा वो, यानी क्योंकि ई वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो ई बड़ी ई में चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि ई वर्ण के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो किस में हो जाएगा, ई के स्थान पर यह, ऊ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ के वे, और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो रे में बदल जाता है। ई वर्ण, ऊ वर्ण और रिवर्ण को क्रम से यह वे रे हो जाने पर परवर्ती स्वर उसके साथ मिल जाता है, जैसे नी प्लस में ऊन, परवर्ती का मतलब होता है पहले वाला, ठीक है। तो ई और यहाँ पे ऊ भिन्न स्वर हो गया तो क्या बनेगा, यह बनेगा, तो परवर्ती यानी कि सॉरी बाद वाला, पूर्ववर्ती होता है पहले वाला, परवर्ती यानी बाद वाला, तो बाद वाला ऊ है तो ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी। सु प्लस में आगत, यहाँ पे ऊ और इधर आ तो वह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, आ की मात्रा यहाँ लग गई, स्वागत, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपका अयादि संधि, ए आई तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को ए को आय, ओ को आ और औ को आव हो जाता है। ये आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, और ये आपको इसके एग्जांपल्स कर करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे नई प्लस में अक, नायक, अब यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, तो किस में, आय में चेंज हो जाता है, मैंने बताया ए को आय, ठीक है, तो क्या हो गया, नायक, आई प्लस में ई, कायिक, ठीक है, पो प्लस में अन, पवन, ओ प्लस में ए, तो ओ हो तो अव में, तो अव में हो गया, यहाँ पे ए आ गया यहाँ पे पै में, और वे यहाँ आ गया पवन, ठीक है। ये हमने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के कितने भेद हैं, पांच भेद हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बच्चों यहाँ पे व्यंजन के पास व्यंजन स्वर होने से व्यंजन में विकार होता है, यानी कि व्यंजन के पास या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो तो उसमें विकार जो है परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम नंबर वन, कै चे टे पै ते के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यह रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो कै को गै, चे को डे, देखो अगर कै है तो गै में बदल जाएगा, चे है तो जे में, टे है तो डे में, ते है तो दे में, और पै है तो बे में, बदल जाते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको कै मिल गया, जैसे यहाँ पे कै है तो किस में बदलेगा, गै में, वाकजाल, यहाँ पे चे है तो किस में बदलेगा, जे में, अजंत, यहाँ पे क्या है तो गै में, वागीश, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर कै है तो, कै है तो डै में बदल जाएगा, चे है तो नै में, कै चे टे ते पै के बाद मैं या नै हो तो, यानी इनके बाद अगर मैं या नै हो तो कै डै में बदल जाएगा, यानी इन सब के बाद अगर मैं या नै है तो कै जो है वो ण में, चे यानी वो अपने पांच में बदल जाएगा, चे जो है वो अपने अणे में, टे अणे में, और आपका ते जो है ण में, और बच्चों पै जो है वो मैं में बदल जाता है, ठीक है। जैसे वाक प्लस में वाडम में, क्योंकि कै है तो इस वाले ण में बदलेगा, टे है तो इस वाले ण में बदलेगा, ते है तो ण में बदल जाएगा, ठीक है, आया समझ में। इसका नियम नंबर थ्री, तय के बाद चय या छ हो तो तय का चय हो जाता है, यानी तय के बाद अगर चय या छ है तो तय का क्या हो जाता है, तय के बाद यदि चय या छ में से कुछ भी मिल जाता है तो तय का चय हो जाता है बच्चों। जैसे सत्य प्लस में चरित्र, तय के बाद चय या छ है तो यहाँ पे चय है, यहाँ पे छ है तय के बाद, तो किस में हो जाता है, चय में, सच्चरित्र, उच्छिन्न। तय के बाद यदि जय या झय हो तो तय का जय हो जाता है, जय या झय हो तो, चय या छ हो तो तय के बाद चय में बदल जाता है, तय के बाद जय या झ हो तो जय में बदल जाता है, तय के बाद टय या ठ हो तो टय में बदल जाता है, तय के बाद डय या ण हो तो तय को डय में बदल देते हैं, यानी कि चय छ हो तो तय के बाद, ये ध्यान रखना, तय के बाद यदि चय छ है तो चय में बदल जाएगा, जय झ है तो जय में बदल जाएगा, टय ड है तो टय में बदल जाएगा, तय जो है उसको बदलेंगे हम, डय ढ है तो डय में बदल जाएगा, तय के बाद लय हो तो तय को लय में बदल देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तय के बाद लय है तो तय को भी लय में बदल देते हैं, जैसे उत प्लस में लास, त
तय के बाद शय हो तो तय को चय तथा शय को छय हो जाता है, ठीक है। तय के बाद यदि शय है तो तय को तो चय में और शय को छय में बदल, उत प्लस में शिष्ट, तो तय जो है चय में बदल जाएगा, उच्चय आएगा बच्चों। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये चय है बच्चों, तो तय जो है वो चय में बदल गया और शय जो है वो छय में उच्छिष्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका है तय के बाद यदि है हो तो तय को दय में बदल देते हैं और है को धय में, यानी तय के बाद अगर दय हो तो तय को तो बच्चों हम, तय के बाद है हो तो तय को तो हम दय में बदल देते हैं, तय के बाद यदि है तो तय को दय में और है को धय में बदल देते हैं, उत्तहार, तो तय को दय में बदल देंगे और धय है को धय में, उद्धार। मैं के बाद यदि कोई स्पर्श कैसे मैं तक वर्ण हो तो मैं को उसी वर्ग का पाँचवा अक्षर कर देते हैं, ठीक है। यह आपको पता है संपूर्ण, अगर मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है तो मैं को उसी वर्ग का जो स्पर्श व्यंजन जैसे प है तो इसका पाँचवा वर्ण हो जाएगा, यहाँ पे द है तो द का पाँचवा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। मैं के बाद अंतस्थ यारे लेवे तथा ऊष्म वर्ण हो तो मैं को सदैव अनुस्वार ही होता है, मैं का सदैव क्या होता है अनुस्वार ही होता है। रे रे और शय के बाद न हो तो न को न हो जाता है, अगर इन तीनों के बाद न है तो न का न हो जाता है, चाहे बीच में कोई भी स्वर व्यंजन या अनुस्वार आदि का व्यवधान हो, जैसे भूष प्लस में अन, अब यहाँ पे ए है स्वर लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे स के बाद न है तो भूषण हो जाएगा, ठीक है। छः से पूर्व कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में अर्थात छः से पहले चय जुड़ जाता है, छः से पहले क्या जुड़ जाता है चय, छः से पहले यदि आ ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो स को शय में बदल देते हैं, स को किस में बदलते हैं शय में, ठीक है। हर्ष स्वर के बाद आने वाले र से परे यदि र के र हो तो हर्ष को दीर्घ होकर पहले र का लोप हो जाता है, यानी कि हर्ष स्वर के बाद यदि आने वाले र से परे यदि र हो तो इधर भी र इधर भी र तो ये वाला जो र है वो लोप हो जाएगा और हर्ष का जो है वो दीर्घ हो जाएगा नीरस, ठीक है। आया समझ में बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग के पास स्वर व्यंजन होने से विसर्ग में विकार होता है तो उसे विसर्ग संधि, तप है प्लस में वन तपोवन, विसर्ग के पास क्या होगा स्वर व्यंजन होने से विसर्ग में विकार होता है, दुह प्लस में आशा दुराशा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर विसर्ग के दोनों ओर पहले और बाद में ए होने पर विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, विसर्ग के दोनों ओर अगर यदि ए है इधर भी और इधर भी तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, मनो अनुकूल, ठीक है। विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण तथा यरे लेवे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, क्या हो जाता है ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण होने पर विसर्ग को ओ, मन है प्लस में जय पाँचवा वर्ण है, पे है प्लस में धर पाँचवा वर्ण है प्योधर मनोज, ठीक है। विसर्ग के बाद यरे लेवे है होने पर विसर्ग को ओ हो जाता है, विसर्ग के बाद यदि यरे लेवे है तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, विसर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण है तो विसर्ग को ओ हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण तथा यरे लेवे है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को रे हो जाता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर विसर्ग को रे, कोई भी स्वर है विसर्ग के बाद तो विसर्ग जो है वो रे हो जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण होने पर विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है रे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विसर्ग के बाद यरे लेवे है होने पर विसर्ग को रे, विसर्ग के बाद यदि यरे लेवे है तो विसर्ग को जो है वो रे हो जाता है, विसर्ग के बाद यदि चय छ हो तो विसर्ग को शय टय ठय हो तो शय तथा तय थय हो तो सय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। आपको और ये दो तीन रह गए हैं आपके, आप इन्हें खुद से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आपका मैंने आज हमने वर्ण व्यवस्था और संधि पढ़ा, ठीक है बच्चों। आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ इसका, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।